हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस। मैं अपने चैनल द मानस बनारस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, जो कि मैं आपको कैंट रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि इसी फ्लाईओवर के नीचे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाइट मार्केट बन के तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको इस फ्लाईओवर के नीचे लेके चलता हूँ और नाइट मार्केट को दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले सेल्फी पॉइंट लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये आई लव बनारस का सबसे पहला सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पे लोग सेल्फी लेने आते हैं। और यहाँ पे रात को लाइट जलने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट एक और है, चलिए मैं उस सेल्फी पॉइंट के लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, मेरा काशी मेरा स्वाभिमान, ये बनारस का दूसरा सेल्फी पॉइंट है। और आपको यहाँ पे दीवारों पर चित्रकला को भी देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको चित्रकला को दिखाता हूँ। ये देखिए, दीवारों पर बना हुआ है। और मैं आपको एक बार और सेल्फी पॉइंट को दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सामने ही बहुत ही सुंदर दीवारों पर चित्रकला देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकारी को यहाँ पर करा गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नाइट मार्केट 10 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। और इसकी दूरी 1.9 किलोमीटर है। और इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 7 जुलाई को कराया गया है। और 18 परियोजनाओं में से नाइट मार्केट भी उसमें शामिल है। यहाँ पे आपको शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे छोटे छोटे कई दुकानें को यहाँ पे बनाया गया है, जो रात्रि में बनारस के खान पान को दिखाता है और लोगों को उनका स्वाद चखाना है। सामने ही आप बहुत ही सुंदर कलाओं को देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाया गया है। चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ इससे सुंदर भी कलाओं को दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कला को देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती से इन कला को उतारा गया है। और यहाँ पे आपको ब्रिज भी बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ। ये कलाएँ बहुत ही अद्भुत बनाई गई हैं। और मैं आपको, चलिए दोबारा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इतना सुंदर आप इस ब्रिज को दिन में देख रहे हैं। रात्रि में आपको इस ब्रिज को देखने में सुंदरता दोगुनी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी आगे भी आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कलाओं को देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये जो पुल है, आपको मैं बता दूं कि ये लारतारा से लेकर चौका घाट तक ये पुल चला जाएगा। मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है, जैसे आप इनमें देख सकते हैं। मैं आगे आपको नाइट में खुलने वाली छोटी छोटी दुकानें को मैं आपको दिखाऊँगा, जो यहाँ पर अभी बन के तैयार हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको आगे की ओर दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने ही आपको ब्रिज बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। सामने ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूरोप का ट्रॉली बनाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूरोप का ट्रॉली है। और ठीक इसके आगे आप जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल पेड़ देखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर आर्टिफिशियल पेड़ बनाया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ठीक इसके बगल में आपको नाव देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको नाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बगल में ही आपको टावर पे बनाया गया चिड़िया को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया यहाँ पे बनाई गई है, जो इस ब्रिज के चार चांद खूबसूरती को चार चांद लगा दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर चिड़ियों को यहाँ बनाया गया है। और आगे ही आपको सुंदर कला को दिखने को मिल जा रहा है, जो ब्रिज पे बनाए गए हैं। ये देखिए, स्मार्ट सिटी बनारसी के तहत इन ब्रिज पर कलाकारी की गई है।
सामने ही आप दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत चित्रकला को देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पास से लेके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चित्रकला को बनाया गया है। चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ और ठीक इसके बगल में ही आपको यहाँ पे नृत्य करता हुआ एक कला देखने को मिल जाएगा। इन्हीं दुकानों में आप देख सकते हैं नाइट मार्केट को खोला जाएगा। देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको फिर से एक बार कला को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इन दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं। ये जो आप सामने दुकानें देख रहे हैं, इन्हीं में रात्रि में नाइट मार्केट खुलेगा। मैं आपको आगे की ओर लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे दुकानों को बनाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको गार्डन की भी सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पे गार्डन भी बनाया गया है और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कराई गई है। ये देखिए मैं आपको दुकानें दिखा दे रहा हूँ और आगे आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगा ऐसे ही। ये देखिए और यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये देखिए मैं आपको लाइट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लगा हुआ। चलिए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं, जैसे आप इनमें देख सकते हैं। और सामने ही आपको दीवारों पर काशी घाट के चित्रकला को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको मंदिरों को दिखा दे रहा हूँ जो बनारस में बने हुए हैं। और ठीक आपको यहाँ पे सामने ब्रिज को बहुत ही सुंदर कलर में किया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और आगे ही आपको देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रिज के नीचे दोनों साइड में दुकानों को बनाया गया है और यहाँ पे बैठने की सुविधा भी बनाई गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इन्हीं दुकानों में आपको नाइट मार्केट खुलेगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सामने ये देखिए यहाँ पे ट्रेन जा रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैं आपको दुकानें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन से आपको दुकानें ही देखने को मिल जाएंगे। काशी स्मार्ट सिटी योजना के तहत इन दुकानों को यहाँ पर बनाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही कम जगह पे इन दुकानों को बनाया गया है और ये रात्रि में यहाँ के निजी खान पान को लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है। ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से दुकानें को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ दोनों साइड में ही दुकानें देखने को यहाँ पे आपको मिल जा रही हैं। देखिए